बलोचा डाकू भी है।
ਦੇ ਡਾਕੂਆ ਜਿਨੇ ਐ ਸੋਨੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। दारू दी पांच बोतल कि चुक लिया है। तू अपना दारू पी जरनैल सिंह, तेरा सरदार है इस नशे की बंद बोतल तोड़न ले चुक के लिया है। जिन्हें आज बलोचे डके डके सिर चुकन की चरत की। पर तू तो हमेशा यो आख्या सी कि तन्नू इस जागे च अपने रन ते पुत्र दे सिवा और कोई चंगा नहीं लगता। ते तेरा यह उसूल सी कि असी अपनी ऐस जूज कोई मुटियार चुके नहीं लियावांगे। जरनैल सिंह बच्चे की गुस्ताखी ने मेरे इस असूल नु फैला दिता। जे गल ते फिर तू इथे ते जरनैल सिंह उन्ना चिर बाहर रहेगा जिन्नी देर तक ऐस बोतल दे तिड़कन दी आवाज जरनैल सिंह दे कन्ना तक नहीं अपड़दी। हाँ चलो आप चलिए। मेरे नेड़े ना आई वे ऐस जगले ते तू बड़ा वड्डा डाकू होवेगा। पर याद रखी जे तू अपना नापाक हाथ मेरी इज्जत पर बताया तो फड़ के सवा हो जाएगा। मुट्यारे मेरा नाम बलोचा डकैती, मेरा वध्या होया हथ ते वध्या होया पैर अज तक कोई नहीं रोक सकिया। ते फिर सुन वे, मैं रब ते उंदे रसूल नूं मनन वाली एक मुसलमान मुट्यार आ ते मेरे सीने विच ईमान दी ओ ताकत है जिन्हें तेरे वगैरह शैतान नूं मेरे तक नहीं पहुंचन देना। जेड़ा भी बंब कढ़ना ही कढ़ ले। ते फिर अगा वध वे, अज मैं भी वेखना चाहनी आ कि जो तेरे जिहा कोई डाकू अपनी ताकत दे नशे विच अन्ना होके किसी मजलूम ते अपने जुलम दी अट चुकदा है ते फिर मेरा सोहना रब उन की करिश्मा विखांदा है। मुटियारे लुट दे इस माल का सिर कज के इनू किथे ले चले। असी ते इस दारू दे दो घुट पी लई अपना दारू हराम कर दिता है। होश कर जरनैल सिंह, ऐ ओ दो लुटदा माल सिंह जद बलोचा डकैत पड़ के मैं चुकिया सी। हूं मैं भैन का भरा ही अपनी बीवी का खावन ते अपने पुत्र का प्यो ही। इन्हों सारे रिश्तिया की पछाण अज मैंने भैन ने कराई। मैं बहुती पी ली है कि दारू दी है बोतल पी के तू अन्ना हो गया है। वे अज ते अन्निया अखां चान आई ते उसे चानने च बलोचे ने अपनी पैरी हयाती हमेशा लई दफन कर दिता। नहीं
दफन तेरी हयाती नहीं बलोचिया साडा ओ यराना होया जेड़ा एक मुटियार दे पैरा हेठ आ गया है। एहो यराना तोड़ के मैनु एहो जिहा खजाना लभिया जेड़ा सारे जग दियां दौलतां लुट के भी मैं नहीं सी मिल सकना। सुना जरनैल सिया तेरा मेरा रिश्ता जन्म दा रिश्ता सी ते अज मैं ओ रिश्ता तोड़ चले ते जांदी वरी जे मेरा अखा मन लवे ते तुम्हें जुलम दी जिंदगी छड़ देवी जे ना छड़ सकिया ते अपने लई कोई नवा सरदार लभ लवी। आ पैणा ओए मुसला सैना ऐसले सिग्नल यराना नहीं नभा सकिया जाए आज तो ऐस जूदा सरदार जरनैल सिंह है। नहीं नहीं जिस दिन दा तू जुर्म नाल रिश्ता जोड़िया है उस दिन तो तू ऐस धरती ते कत्लो गारत करन वालिया दा सरदार ते बन सकने उस दिन तो ना ही तू ऐस पुत्र दा प्यो है ते ना ही बीवी दा खावंत। आज मैं किने यकीन कर लां कि ऐस कार विच बीवी दे पुत्र दी पछाण करन वाला इस पैन नू लेके आ गया। यकीन कर रेशमा यकीन कर मैं अपनी डकैती दी हयाती नू एक लाश समझ के उस कबर च दफन कराया जिस कबर दे कुतबे ते बलोचे डकैत दा कोई नाम नहीं होना कोई नाम नहीं होना रिहा इस भैन का सवाल ते ऐ मेरी ओ भैनी जिन्हें मैनू बुराई दे नेरिया विचों कढ के नेकी दा ओ चानण विखाया जिस चानण विच मेरे वर्गी कदा नाल प्यार करन वाली तेरे वर्गी वफादार बीवी का चेहरा भी नजर आया ते ऐ मासूम पुत्र की शक्ल भी। बस कर बलोचिया बस कर मैं तेरे दुआ करनी हाँ कि मेरी हयाती का आखिरी सा भी तेरी इस भैन में लग जाए जिन्हें इस घर दिया रुसिया या खुशियां वापस ले आंदियां ने। तेनू तेरिया खुशियां मुबारक हो भाभी हूँ मैं भी जान की इजाजत दे मैं भी जाके अपने माँ प्यो की कबर से दो अठरू सुट लवा। तू की कह दिता है मैं चाहनी हाँ तीले सब तो वड्डा रिश्ता मापिया का होंगे पर एक निक्का जिहा रिश्ता भैन ते भरा का भी होंगे तेनों उस रिश्ते की सौ तू इतों ना जाई। बलोचिया इस घर विच वापस लियान वाली इस भैन ने मेरे दिल दियां सारियां मुरादां पूरिया कर दित्तियां ने बस एक चाह बाकी रही है ते वो चाह है वे कि रब ते उहदे रसूल दी अजान जिस ठाकर ने बंद कराई सी आज जो हुई अजान उस हिंदू ठाकर नू सुना के सारे पिंड वालियां नू दस दे कि बलोचा डाकू अल्लाह अकबर भी कह सकते मुसलियां ने साजे तो डरदिया मुग तो इस पिंड की मस्जिद वड़ना बंद कर दिता सी अज फिर किन्ने अल्लाह अकबर की आवाज दी है। इसे आप भी नहीं जानते महाराज के मौत के मुंह खलो के अल्लाह अकबर कह वाला इतने के कम पे है। अरे कुर्बी रामा अज असि जबान हमेशा लिए गूंगिया कर देंगे जिन्हें यह आवाज साढ़े कदम सुना के साढ़े धर्म को पुलिस्ट किया। बलोचे डकैत मालवी बलोचे के रूप वेख के तेरे हाथों में बंदूक चो डिग पई है जेरी तू इस मसीत आने वाली अजान बंद कराने लिया है। नहीं नहीं बलोचा महाराज वो बंदूक से इस खुशी दिखी है कि अज मैं बलोचे ने एक नवे रूप वेख रहा हाँ महाराज।
खतरी है ना ऐसे नहीं बलोचे दी अखा विच अपनी मौत नू वेख के नाल ही पैंतरा बदल लिया सुन तू साडे रब ते उहदे रसूल दी अज़ान नू बंद करा के ए पिंड नू कुफर कर बणा दिता सी अज इस पिंड विच गूंजन वाली अज़ान इस मुसलमान का ऐलान ही जे हुण तू अपनी हयाती दे आखरी साह तक यह अज़ान बंद कराने की जरूरत की थी मेरी आने वाली नसल का दूसरा बलोचा रब ते उहदे रसूल दे नाल नू जिंदा रखण लई तेरी मौत बन जा गई साड़ी वेली धरना मार के क्यों बैठा है अब धरना मारिया कोई बंदा ते मारिया ठाकरा अब बलजीत से पत्र लेके अपने सरदार जरनैल सिंह दा अल्लाह फाटा जवाब जरा सोच के दे जरनैल सिंह कल तेरे पिंड च ओना सत्तां वरिया दा लगान लैण ले आ रहा ठाकरा जेड़ा बलोचे डाकू ने इस लई लैणा बंद कर दिता सी इस पिंड चोदी बीवी रहिंदी सी ते हुण सरदार बलोचा नहीं जरनैल सिंह ते जरनैल सिंह तैनू हुक्म दिंदा कि कल लगान लै के तू पिंड दे चौक च आ पाएगा ठाकुर जम जा मान बलबीर सिंह जी ठाकुर जरनैल सिंह का स्वागत करने लई लगान सदेश ते खलोता होएगा जरनैल सिंह ऐ वेख के हैरान ते तू होया होना कि तैनु लगान देन लई इस पिंड विचों अज कोई भी बाहर नहीं निकलिया ऐ ते तैनु वैसे ही पता लग गया बलोचिया कि अज ये पिंड खाली क्यों है ते जरनैल सिंह दा सदा मिल के भी पिंड वाले मैनू खराज देन क्यों नहीं आए ओए जे पता लग ही गया ते हुण इत्थों वापस तुर जा इस लई कि हुण तेरे सामने बलोचा डकैत नहीं इस पूरे पिंड दी जान माल इज्जत दा मुहाफ़िज माल भी बलोचा खलोता ही ओए जरनैल सिंह नू तेरी दहशत दा खौफ उदों सी जदों तू उहदा सरदार सै जे हुण तू बलोचे डकैत तो माल भी बन गए ते जा के मस्जिदां च बांगा दे ते तस्बीहां फेर ओए जे बलोचा टापू तो इंसान बणी गया ही फिर हूं मेरी हिक इन्ना कबरू दी तेन तेरे ना गद्दारा समेत इस धरती तो चुक के आसमान से हिक से सुटे गई तो फिर अपने उस रब नू आखरी बारी याद कर लाए जिन्हें तेन साडे कोलो खो के मौत का प्रौना बना दिता है बिज कर Ha 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 ha
वाह बिलो चाची, चाची जी महान हस्ती ने आज इस डाकू को इस पिंड बचा लिया। और ठाकराय नु मैं सुहा दिता ही, हम तेरा काम ही तुम्हें थाने पहुंचा दे। बिल्कुल ठीक है बिलो चाची, इन थाने पहुंचाना भी मेरा फर्ज है, इनकी जमानत कराना भी मेरा फर्ज है। क्यों कुर्ती जमा समझ गया महाराज। जरनैल सिंह जी सानू किन्ना प्रेम है ताड़ी दा, ओ जो सानू हथकड़ी लगी है जो सा ताड़ी जमानत करा ले। जमानत किवें ना होंदी महाराज, ए धरती जरनैल सिंह कोई रोज रोज थोड़े जमदी। जे आ ठाकरा तू मेरी जमानत नहीं कराई, आज मेरे हथों तारे बलोच दी हयाती दा पर्चा कटवा दिता है। जेड़ा लगान बलोचे ने मैनू पिंड वाले को नहीं सी लैन दिता, अज ओदी इहो जी वसूली पावांगा बलोचे नु चिट्टे दिन तारे दिसने शुरू हो जाएंगे, तारे दिसने शुरू हो जाएंगे। हुण वेखांगा बलोचा साडे पिंड च अल्लाह अकबर दा नाम किस तरह लैंदा। कदमा नु हथे चक ले जरनैलिया, हूं तेरे यार बलोचे डाकू का कर नहीं, उस मौलवी बलोचे का कर ही जरा साडा साथ हमेशा ले छड़ चुका है। जिन्हें अपना राह बदल लिया थी, फिर मेरे राह की कंध क्यों बने हैं? इसलिए कि बातल के सामने खलो के हक का नारा मार नहीं मुसलमान की शान है, ओदा ईमान है तो ओदे सोने रब दे रसूल का फरमान है। जरनैल सिंह ने कभी अपने गुरुआं दा आखा नहीं मन्या, तुहाडे रब दा कहना किवें मन लवे? तू इस मटियार दी बाह मेरे हाथ च पड़ा दे, इस लई जेड़ा लगान मैनू बलोचे ने पिंड वाले को नहीं सी लैण दिता, अज मैं ओदी वसूली करन आया वा। अगा ना वदी जरनैलिया, वे दे नाल ते मेरे रिश्ते ही फड़े ने, रब मैनू तीन वारी मार के भी जिंदगी दवे ते मैं तीनों वारी अपनी जिंदगी इहदे ते कुर्बान कर दियांगी। ए मेरा पहला रिश्ता है ही कि एक मुसलमान है, दूजा रिश्ता है ही कि मेरी ननानी, तीजा रिश्ता है ही कि इस घर विच मेहमान है। मेहमान की इज्जत लिए अपनी जान कुर्बान करने का हुक्म कुरान ने सानू अगला तो दिता होया है। मेरा इंतकाम अन्ना पे पैरा बलोचे दिए रन्ने जरनैल सिंह नु देरी पक पक भी कोई समझ नहीं आई, आपा ते सिर्फ एना जानने कि असा इस मटियार नु जरूर ले जाना है, भावे तेरी लाश ते पैर रख के क्यों ना लगना पवे। बलोचा आवे ते उन्हों आप दई के जरनैल सिंह ने अपना लगान वसूल कर लिया, मैनू पिंड का लगान दे जाए, एनु वापस ले जाए। तू इस पिंड वालों मेरा लगान देन तो बंद किया, अज मैं उस लगान के बदले तेरी इस भैन नू अपना लगान बना के लज ले जिदे तो चिड़ के तू जरनैल सिंह नजराने की सांझ तोड़ाया सै। तू मेरे घर की दलील सब के हाथ भी पाया ते मेरी उस भैन नू जिन्हें मैनु इंसान बन के जीन का बल सिखाया,
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਪੜੀ ਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਰਿਆਮ ਸੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮਾਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਮ ਨਹੀਂ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਖਤਰੀਆ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੇ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਵੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੋ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੋ ਵਰਿਆਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਇਹ ਕੈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੱਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ
ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਤੂਰ ਮਚਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪਲੋਚਾ ਡਾਕੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ। ਜਿਸ ਕੁਫਰਗੜ ਦੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। आज हम बहुत खुश हैं ऑफिसर, बहुत खुश। आज हमने कृपान सिंह जैसा डाकू को अरेस्ट करके इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जिसका मिसाल ब्रिटिश ऑफिसर में नहीं मिलता। ये तो ठीक है सर, लेकिन कृपान सिंह बहुत खतरनाक डाकू है। वो किसी वक्त भी कानून का जंजीरें तोड़कर आ सकता है। जा जा, यू डैम फूल, तुम हमको भी अपना वापस समझता है? हम कृपान सिंह का नेचर, उसका आदत को अच्छी तरह समझता है। हमने उसको ऐसा जेल में भेजने का बंदोबस्त किया है जहां से भागना तो क्या वहां। वेलकम वेलकम कृपान सिंह, हम तुमको सलाम बोलता है। ओ गुरांदी, कृपाने ने न कदी किसे गोरे नु सलाम कीता है ते न कदी ओदे प्रणाम दा जवाब दिता है। तू ए दस, आप ते राशन पानी ते सोन पैन दा बंदोबस्त कीता ही के ना? एवरीथिंग इज ओके कृपान सिंह, सब ठीक ठाक है। ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से हमको ऑर्डर मिला है कि तुम्हारा हर तरफ से ख्याल रखा जाए। चल फिर डर मेरे ना, आप भी देखिए तू की इंतजाम कीता है साडे लिए। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨੇ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿਆਮ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾ ਔਰ ਅਬ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘੂੜ ਪਿਆ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਘੂੜ ਪਿਆ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਓਏ ਜੇਲਰਾ? ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੱਕਣੀ ਸ਼ਕਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪੈੜੀ ਏ ਤੇ ਪੈੜੀ ਤੱਕਣੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੁੱਸੇ ਦਾ ਥਕੇਵਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਅਰਿਆਮ, ਤੁਮਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਇਨਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਤ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਖਤ ਦੀ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕੀ ਮੋਰੀ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਡਾ ਟੱਪ ਕੇ ਬੇਬੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਪੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਰ ਦਿਆਂ ਕੱਦ ਤੇਰਾ ਲੰਮਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰੀਏ। Thank you.
ਮੂਸ ਲਿਆ ਓਏ ਗੌਣ ਸੌਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਏ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਲਮਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਮੁਸਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕੇਵਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਓਏ ਮੋਰੀ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਓਏ ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਆਖੋ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਆਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਸੁਣ ਓਏ ਮੁਸਲਿਆ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਝੂਠਾ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਚਾਰ ਅੱਠ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਝਟਕੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੂਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਈ ਦਿਨ ਚੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈ ਆ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਓ ਬਰਿਆਮਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨੇ ਜੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਓਏ ਆ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥਕੇਵਾ ਲਾ ਚੰਗਾ ਰਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਓ ਬਰਿਆਮਿਆ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੋ ਮੈਂ ਰਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਥਕੇਵਾ ਲਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਏ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ ਚੰਗਾ ਰਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਲਓ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਜੀ ਲਿਆ ਬੋਲਿਆ ਮੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਹੁਣ ਦੋ ਘੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਓਏ ਮੁਸਲਿਆ ਸੂਰਜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਈ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਵਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਓਏ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਆ ਬੇਬੇ ਦਾ ਖਤ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਵਰਿਆਮ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਾ ਉਹ ਲੁੱਟੀਆ ਪਾ ਮੁਸਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦੇ ਖਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੁਡੀਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਡ ਗਈ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਤ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਵਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਏ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਖੈਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾ ਅੱਜ
तो 15 साल पहले मैं तेन जेल टोरन लगी यह नसीहत की सी कि जेल के हर फर्श से तेरे सजदिया के निशान हो तो तू एक शरीफ इंसान बन के घर वापस आई पर हुन तेरी ओह ही मां तेन हुक्म दें कि तू अपने हाथों में मां की नसीहत के संगल तोड़ दे ते जेल विचों एहो जिहा सूरमा बन के निकली कि इस जग विच तेरे तो वड्डा सूरमा होर कोई ना होवे ते मां नूं अपना चेहरा उस वेले वखावी जदों तेरी दलेरी ते बहादरी दियां कहानियां तेरी मां तक पहुंच चुकियां होन तेरी मां खत पढ़ के तेन चटके क्यों लगने शुरू हो गए ने पिंडे च करंट क्यों पैगी आई ए ते दसो कृपान सिंह जी सब तो वड्डा सूरमा बनने लई बंदे नूं की करना पैंदा है बड़ा आसान गुर्रे किसे मेरे वर्गे सूरमे दे गोडे गिट्टे कटड़े पैंदे ने ओदी कंध लानी पैंदी है नक दियां लकीरां कदारियां पैंदियां ने जेलां दे कुकू बजाए पैंदे ने किसे गोरे दियां फीतियां शीतियां लानियां पैंदियां ने फिर जाके इस जग विच नाशा पैदा होंदा है ते फिर सिद्धा मैं सिखा फिर मैं तेरे तो कहना मुसला पुशल देख लो गे चलो ठोए कर पाना लुटियां पानिया शुरू कर दियां ने लै बी कृपानिया और तू भी भंगड़ा पाना शुरू कर दे ने तेन छेती फारक कर दिता है तो दो चार हाथ मैनू भी मार पानी तो पी लो बिस्मिल्लाह हमारा डाकू को उस जेल में नहीं लेना चाहिए वो वरियाम को खत्म करेगा और हमारा जेल का सारा निजाम तहम बहम करेगा आप ठीक बोलते हैं सर कृपाना डाकू का भी जेल में रहना हमारे लिए खतरा बन जाएगा इसलिए हमने बड़े साहब से बात करके कृपाना डाकू का ट्रांसफर का आर्डर हासिल कर लिया है
कृपाना को इसी वक्त और अभी जेल से बाहर बैठा मारता है। कृपाने भी यार जेल जो बदली हो गई है। ओए ते बड़ी पैरी खबर सुना देती है तू, पर कोई गल नहीं, कृपाना जिथे भी जाएगा रब की रहमत नाल वरियां मौत ही पहुंचेगा। सामने देख के हैरान न हो है। मैं वो जीप ही पन्ने अजदे विच बंद करके जेलर ने मैं दूजी जेले भेजिया सी, ते वो पुलिस भी अद पचद को आया जेरी ने मेरी राखी करन लई मेरे नाल तोरी सी। और सिखा एक काम करके तू मेरी अद्धी खेचल से टाल दिती है, बाकी दी कसर तेरे गोडे किते तोड़ के मैं आप पूरी कर लांगा। तेरी सजा की कड़ी नू पुलिस ने टाल दिता सिखा, पर तेरा पिछा मैं कबर दिया कंध तक नहीं छड़ना है। पिछा तो मैं तेरा भी नहीं छड़ना, पावे लग जाने हाथ कड़िया। जेरी थकेवे लान गया से कृपाना, तो फिर एडी छेती तोड़ के नस क्यों आया? और जेल में एक झूठा सूरमा मिल पिया सी, ओदी कंध लाने लई मैं नस आया वा। वो अपने आप नू आपा तो ही वड्डा सूरमा समझण लग पिया सी। फिर ओदा थां टिकाणा दस दे कृपाना, तेरा यार बलबीर ओदा सिर ला के तेरे पैर विच रख देगा। नहीं 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 बलबीरिया नहीं, उन्हें मेरी कंध लाने का सुपना वेख्या, तो उदा से भी मैं ही लावांगा। आठ गल नामिया
तू एडा घबराया आया क्यों है? मथे दे त्रेली अखा विच खौफ, उथे ते नौंदरा दे निशान, तेनू आया की है? सरदार, मैं तेरी गिरफ्तारी का बदला लैण लई अंग्रेज डीआईजी दे धी चुक लिया सा। बड़ा बहादुरी का कारनामा कीता, हुण ओदी इज्जत नूं हथ पाण की कोशिश कर रहा से। हाँ सरदार, पर वो मेमणी इहो जी अथरी घोड़ी है जिन्हें मैनू दुनतियां मार मार के फावा कर दिता। ओए किसे पैड़ी नसल दिया सिखा, तैनू मेरे उसूल का पता नहीं सी। ओए कृपाने ने हमेशा अपने दुश्मना नाल वैर रखिया, उन्हां दी तेरी भैण नाल नहीं। सरदार, ओ मेरे को गलती हो गई है। ओ जे गलती मन लईओ तो फिर ओदी सजा भी कट ले। बेगैरत सी, कृपाने ने कभी बेगैरत नूं बर्दाश्त नहीं किया। तू है वो मेमणी जिदी इज्जत नूं इस मोरी दे ने हथ पाण की कोशिश की सी। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं कृपाल सिंह? अगर आज तुम वक्त पर ना आते तो ये बगैरत हमारी इज्जत। ओए बलवीरिया, जा जाके इस मेमणी नूं इहदे घर तक छड्डा। हम इनमें से किसी के साथ नहीं जाएंगे कृपाल सिंह, तुम खुद हमें डैडी के पास छोड़ा। ओ जे गल ते अज दा दिन तू इत्थे साडी प्राणी बन के रवेंगी। ओ बलवीरिया, इस मेमणी दे लीड़े शीड़े खाण पीण ते सौण दा बंदोबस्त कर, दिन चढ़े असी आप इहदे प्यो कोल छड्ड आवांगे। बिल्कुल ठीक है कृपानिया। ओए बलबीर सिया, सुई ते सुई चढ़न वाली हो गई है पर अजे तक मेमणी नहीं उठी। ए ते आपां नूं भी नहीं पता जित कर क्यों नहीं उठी। किनू पता? मेरा ख्याल लम्मी नींदर तान के सुती है। ले फिर आ गई हूं। ओए बंदीरिया, ओए की शैवे, राती कुछ सी हुण कुछ बन के निकली है। ओए बुद्धी भी ओही है, चमड़ी भी ओही चिट्टी, मेमणी तो पंजाबण की ना बन गई। ओए कृपाना, तू आपी ते किया सी ते लीड़े लाया, और सारी रात पूरे पिंड दे टंग फ्लोर मारे ने, पर सानू सर्कस वाले लीड़े नहीं मिले पाइया, और जो मिले ओही पवा छड़े ने। चल फिर हुण दो कोड़े लाया ते मैनू इहदे उसे गोरे प्यो कोल छड्डावां जिन्हें मैनू गिरफ्तार करके बड़ियां लुटियां पाइया सन। ओ चंगा भाई कृपाना, चल। दो घोड़े मंगाने की की लोड़ सी कृपान सिंह? मैंने तो घोड़ा चलाना ही नहीं आना। ओए मोरी दी, तू मेमणी है के जादूगरनी? पंजाबी लीड़े की पा लेने, जीभ विचों भी पंजाबी डोलनी शुरू कर दीती हूं। ए गल नहीं कृपान सिंह, मैं एक अंग्रेज से ओदी सी जरूर हां, पर मैं तो पंजाब की एक मां का पिता है, ते पल के जवान भी पंजाबी ची हुई है, क्योंकि मैंने जमते ही मेरी मां मर गई सी। शुक्र है तू ये गल बड़ी छेती दस देती है, नहीं तो मैनू सीधा दौरा पे जाना सी। चल दौर। तू कोड़ा क्यों रोक लिया? और देख भी नहीं पई है, सूरज तालू ते चढ़ गया। तालू ते चढ़ गया तो फिर क्या होया है? वे के साड़ी सुई ते सुई चढ़ गई है। उस वेले तू साडे कोले वखोण वाली गल कर। ओ मेमणीए, एक कजा दी कड़ी टल जान दे,
फिर तेन तेरे बापू को छावगा। कृपान सिंह हाँ जी, तेन कोई प्यार करे तो तू उन प्यार करेंगे। प्रणाम नु प्रणाम कहना ही पैंदा है के ऊपर इस वेले तू गई हो जा गला ना करया कर। करने में कामयाब हुआ है जिसने हमसे कृपाना डाकू का गिरफ्तारी का बदला लेने का वास्ते हमारा घर से हमारा डॉक्टर को उठाया है। गौरिया कृपाना
करपाना तेरी डॉक्टर नू लेके अपड़ गए। कृपान सिंह तुम तो जेल में था, इधर कैसे आ गया? ऊपर लग गए सन, उठ के आ गया सामने अपनी मेमनी नू। बकवास न करो कृपान सिंह, ये बोलो तुम्हारा साथी ने हमारा बेटी को उठाने का जुरत कैसे किया? ओए उस मोरी दे नूर ते मैं ओदी करनी दा फल चुका के गुरुआ वल टोर आया। पर तू किता बेदी दे, मैं तेरी इज्जत नू तेरे घर वापस ले आया, तू मैनू कोई टुक्कर पानी नहीं पुछ रहा। नाले मैं तैनू की कवां, बड़ा आखदी से कि मेरा बापू जदो मैनू वेखेगा तो बड़े पंगड़े च पंगड़े संगड़े कितों आ करेगा। नो नो कृपान सिंह, तुम गलत समझा, हम तुम पर बहुत खुश है, बहुत खुश। हम अपना ब्रिटिश हुकूमत से सिफारिश करके तुम्हारा तमाम जुर्म तमाम सजाएं माफ करा देगा। हम उम्मीद करता है कि तुम में खतरनाक डाकू से एक शरीफ इंसान बन जाएगा। नहीं ओए गौरिया नहीं, जुर्म करन दी गुड़ती ते सानू साडे बापू ने जमदिया ही दे दित्ती सी, ते जे असी डाकू तो बंदे दे पुत्तर बन गए ते मेरे गुरुआ ने मेरी वलदियत ते शक करना शुरू कर देना। कृपान सिंह आपसे मजाक करे डैडी। बैठो बैठो कृपान सिंह, हम तुमको वेलकम करता है, खुशामदेद कहता है। नहीं ओए नहीं, मैं ते अवे तेरी औकात वेखनी सी, मेरे ते ओदो तक टुक्कर पानी हराम है जदों तक मैं उस मुसले दा घाटा नहीं ला लेंदा जिन्हें मेरी पुछल ते पैर धर के मेरे तो भी वड्डा पेदू बनन दी कोशिश कीती। जुबान को नफरत हो गई है, झूठ फरेब ते नफरत की सिवा कुछ नहीं मिलता। शायद तुम नहीं जानती कि कृपाना डाकू गिरफ्तार करने के सिले में ब्रिटिश हुकूमत ने हमें ये तोहफा दिया है। उस फूल के बारे की ख्याल है जेड़ा तीर की इज्जत लुटन के बाद सजना? हमें तुम्हारा इज्जत से ज्यादा कृपाना का जरूरत है। हम उस बागी को जिंदा नहीं छोड़ेगा जिसने एक बेटी को उसका बाप से बागी कर दिया है। कृपाना डाकू कानून का शिकंजा तोड़कर भाग गया है, जिसका सजा ब्रिटिश कानून में मौत है। इससे पहले कि हम तुम्हारा पूरा गांव को कब्र के अंधेरे में दफन कर दे, बताओ कृपाना डाकू कहाँ है? मैं इस पिंड का ज्ञानी हाँ साहब बहादुर, मैं अपने गुरुआ के ग्रंथ की सौ का के आखना वा कृपाना जो का मफरूर होया हाली तक इस पिंड विच नहीं आया। मैं इस पिंड का जागीरदार हाँ साहब बहादुर, ते तानू यकीन दवाना है कि ज्ञानी और ने जो कुछ किया सच किया। तुम सब लोग बकवास करता है, एकदम झूठ बोलता है। वो यहाँ नहीं आया तो फिर कहाँ गया है? वो उधर
पता साढ़े को पूछना साहब कृपान सिंह का पता पूछना ही तो भैन प्रीता को पूछ जोड़ी सामने खलोती आ तो तुम कृपाला डाकू का बहन है। हाँ वे गोरिया मैं उसे सूरमे की बहन हाँ जिन्हें तेरे दिन का चैन तेरा ते निंद्रा हराम कर दी ने। तुम बिल्कुल ठीक बोलता है लड़की। हम कृपाला डाकू को अपना साथ दिलाने का वास्ते यहाँ आया है। इतो तो फिर तेन आज खाली हाथ से जाना पड़ेगा गोरिया तेन पता किसे नहीं दसना। अब हमको तुम्हारा होते हुए किसी और से पूछने का जरूरत भी नहीं है लड़की। किरपाना का पता हमको तुम बताएगा। तुम किरपाना किधर है? किड्डा पागल लगे गोरिया और पैन को परा का पता पूछने जेड़ी ओदे दम नाल जींदी है ते ओदे सावा नाल ही सा लें। तब तो तुमने हमारा सब मुश्किल आसान कर दिया लड़की। अब हमको किरपाना तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तुम्हारे जिस्म का एक ही कपड़ा तार तार करके उतारेगा। देख लिया लड़की इनमें से कोई भी सूरमा ऐसा नहीं जो हमारे रास्ते का दीवार बन सके। तू मेरा तरम वीरे ना दूजन सिया भैन तेन गुरा ना वास्ता देखी कहती कि उन्होंने कदमों इतने डक लै वीरा जेड़े तेरी भैन की इज्जत वाल बदल लगे ने। दुर्जन सिंह तो गैरत बाद अपनी जान प्यारी लगी करता रहा। तू तो इस पिंड का जागीरदार है मैं तेरे अगे हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद का वास्ता पानी हाँ। मेरी जान बचा ले वीरा मेरी जान बचा ले। दुर्जन सिंह तो करतारे दे चुकिया ताना वेखे ताडे मथे ते त्रेली क्यों आ गई। अर्जन सिंह जी तुसी तो इस पिंड के ज्ञानी हो ते ज्ञानी अपने पिंड दियां तियां पैणां दा बाबा बनांदा है ते फिर आज जैती है तानू अपनी पाक किताब ग्रिन का वास्ता दे के आगती है। मेरी इज्जत बचा ले बाबला मेरी इज्जत बचा ले। अब भी वक्त है लड़की अपने भाई के ठिकाने का पता अपनी जबान पर ले आओ वरना वरना की वे तू अपने जुम दी तदा कर ते फिर मेरे सबर दिन ते हावेक। जवान को जख्मी करके तुमने अच्छा नहीं किया। कौन हो तुम? नाम मेरा फरियामी और फरंगिया ते मजहब मेरा इस्लाम है। अर्थना तो दुश्मन होना पे खैसा था जड़े किसे दिया दिया पैरों की इज्जत बर्बाद करते ने। जो तुम एक सिख लड़की का वास्ते अपना जान को खतरे में डालता है इससे पहले कि हमारे एक इशारे पर तुम जमीन पर खून का एक निशान बन जाओ यहाँ से चले जाओ यहाँ से। और तेरिया गोलियां का खौफ इस पिंड के ना बेखास तानू आवेगा जड़े अपनी अखां के सामने मौत के डर तो अपनी धी भैन तर बदर आंदे देख रहे ने। मैं एक गैरतमंद हां फरंगिया हर मजहब की इज्जत मेरी इज्जत है ए मेरे रब ते मेरे रसूल दा फरमान ही। तो फिर हमारा ऐलान भी सुन लो। फायर!
ਨਸਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨਸਲਾ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਨਸਲਿਆ। ਮੁਟਿਆਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਵਰਿਆਮ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੋਸਣਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ? ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਰ ਜੇ। ਚੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਣੇ। ਚਲੋ ਵੜਿਆ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾ। Welcome, my son John, welcome. You rascal, तुम आपका बार हमको बहुत वेट कराया, बहुत इंतजार कराया। हमको तो ऐसा लगता है जैसा तुमको अपना इस होने वाला फादर इन लॉ से कोई प्यार नहीं, कोई प्यार नहीं। नो अंकल, नो। हम तुम्हारा मैसेज मिलते सीधा हिंदुस्तान से इधर भागा है। अंकल, वाइज मैन, हमारा मंगेतर होने वाला वाइफ किधर? हम तुमको उससे भी मिला देगा जॉन, उससे भी मिला देगा। लेकिन जिस वास्ते हम तुमको हिंदुस्तान बुलाया, पहला हम तुमसे वो बात करना चाहता है। प्लीज और माय अंकल। जॉन, हम अपना आधा जिंदगी इस ओहदे को हासिल करने के लिए जाया कर चुका है, तब जाकर हमको ये ओहदा, ये रैंक मिला है। लेकिन इस पंजाब का दो बागियों ने हमारा तमाम सुनहरी रिकॉर्ड पर रेड क्रॉस लगा दिया है। अंकल, वो इंडियन डॉग्स हमारा हुकूमत का गुलाम कम है। जॉन के लिए टच सिग्नल, यानी पाए पॉइंट बन जाएगा। जॉन, पहला बागी का नाम डाकू कृपान सिंह है। कृपान सिंह। दूसरा बागी का नाम बरियाम, वो बागी जिसने हमारा कई ब्रिटिश सोल्जर्स को मौत का हवाले कर दिया। डोंट वरी अंकल, डोंट वरी। हम तुमसे प्रॉमिस करता है कि अब हम मैरी से मैरिज उसी वक्त मनाएंगा जब डाकू कृपान सिंह और बागी बरियाम का डेड बॉडी तुम्हारा कदमों में होएगा। प्रीतो, मां गुरु ने तेनू एक सिखणी के रूप में जन्म दिवाया है। जे तू एक मुसलमान के कार्य जन्म लिता होता तो आज तू उन्हें हमेशा लिए अपना बना लेंगे। जिन्हें तेरी इज्जत बचा ले, अपनी जान की बाजी ला देती है। तू अपनी जबान चो एक ही पाप बक रही प्रीतो। जे तेरे धर्मिया ने तेरे दिल की यह आवाज सुन ली तो तेन जीवन की जाने जमीन च कट देंगे। तू धर्म के उन्होंने ठेकेदार की गल कर रही है जिन्हें च ना ही गैरत रत्ती है ते ना ही उन्होंने रगाएं ओ खूने जेड़ा किसी की गैरत में हाथ पैनिया वेख के जोश मार सके। यह तो तू सच कह रही प्रीतो, पर मेरी एक गल याद रख, तेरा त्यो का मेल कभी नहीं हो सकता। वो इसलिए कि तेरे त्यो के दरम्यान धर्म की ऐसी दीवार खलोती हुई है जिन्हों कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। तू भी ठीक कह रही है, पर मैं भी मजबूर हाँ। वो इसलिए कि इस मुसलमान को मैं अपने दिल च पा के उन्हों अपना राजा ते अपने आप में उसकी हीर मान लिया, हीर मान लिया।
गुजारन का पाप करने तो बाद भी पूछ नहीं है कि असी तेरे बूए ते की ले आया। ओ साडे धर्म नू लाज लाण वालिए, इस तो पहला कि असी तेरे घर नू साड़ के सुआह कर देंगे, तेरे फादर तेरी मई बना देंगे, साडे पिंड नू छड़ के तू टुर जा। ए सब कुछ झूठ। मैं ते उस गैरतमंद मुसलमान का शुक्रिया अदा करने लिए उन्हें अपने घर च लेके आई सा। सच कह रही है कटारिया? झूठ कह रही है ज्ञानी जी। असा अपनी अखा वेखिया मुसलह दे कार पूरी रात गुजारन तो बाद मूहरे पमच जा रहा थी। अपने पुण के बदले च एक सिखनी मुटियार की इज्जत लैके। ए ना भूलो ज्ञानी जी के तुसी इल्जाम कृपान सिंह की भैन चला रहे। तुम्हें ना भूल के असी इस पिंड के जागीरदार हाँ। जागीरदार किसी डाकू के खौफ तो वे भैन के गुनावों से पर्दा नहीं पा सकते। पिंड वालों इस गुलामों की पंडरू इस पिंड तक बाहर कर दियो। मेरे मेरे ना आवे, मैं आप पिंड छड़ के टुर जानी हूं। मेरा वीर कृपान आवे तो उन्हें कह देना कि वो भैन उसे मुसले के पिंड टुर गई है जिन्हें मेरी इज्जत बचाई थी।
सकनी हाँ खतरिया, पर रब दे करनो नहीं छड़ सकती। जिदा नामो निशान मिटान ले तो पिंड दे एक एक मुसलमान दर बदर करके ए पिंड छुड़ा देता है। पिंड आज तेनू मैं छुड़ावांगा पुटिए, ते दर बदर भी एक हो जा करांगा, जिन्हों वेख के हर मुसला इतने अल्लाह अकबर कहने की जुर्त नहीं करेगा। वे तेरा भुलेख है खतरिया, मैं रब दे कर दिया इन्हों दलीजा ते खिलो के शहादत का जाम ते पी सकनी हाँ, पर इतों जा नहीं हो सकती। जिथे मेरे शहीद खान ने रब ते ओदे रसूल दा नाम उच्चा कीता सी। अरे ऐसे लेके तैने तो बाहर खेडन लगिया पुड़िए, ताकि फिर कोई मुसला इतने अल्लाह अकबर ना कह सके। वे अल्लाह अकबर की आवाज ते इतने क्या मतलब गूंजती रहनी हूं खतरिया। जरा पिंड विच मेरे पुत्र वरियाम नु ते पढ़ लें दे। तू इतों निकलने वाली गल कर दी, इदा वरियामा आएगा ओदे नाल भी निपट लांगे। अरे हम ती अल्लाह ओ पतरी पुछाता इन धक्के मार मार के सब बाहर कर दियो। जरा वादा तेरे नाल कीता सी पूरा कर दिता है, अपना चेहरा तेनू बाद च विखाया, तेरे कन्ना च रब ते ओदे रसूल दी अज़ान पहला सुनाई है। जिंदा रहा पुत्रा, अज इस कुफरगढ़ विच तेरी बड़ी लोड़ सी, बड़ी लोड़ सी। मैनू माफ कर दे मां, तेनू मिलन दा इन्ना चा सी कि मैं भुल गया वा कि तेनू यह पुछा कि तू तू अपना हाल की बना लिया। मां पुत्रा, रब दे इस कर ते मेरे नाल बाहर आ जा। आज मैं तेनों फिरौन बखाई देनी है, जिदे सुलमा दे हथों मजबूर होके मैं तेनों गिद्दर की जिंदगी गुजारन दी थां शेर बनन की चिट्ठी पाई सी। आ मेरे नाल। ए ओ मसला, जिने साजे पिंड च दान दे के साजे धर्म नूं प्रेरित करन दी जोत की थी। हाँ वे खतरिया, इस अज़ान की मंजूरी तो मेरे सोने रब ने आज तो भी मेरे पहले कर दी थी, पर तू फिर भी आज तक मेरे सोने रब ते ओदे रसूल दा कलमा पढ़न वालियां नू मौत दी नींद सुवांदा रही है, साडियां मसीता कटांदा रही है ते अपने मंदर बदांदा रही है, पर आज तेरे सारे जुल्मां दा हिसाब चुकान ले मेरा पुत्र वरियाम आ गया है खतरिया। बस कर मां, ए नहीं पौड़ियां ते बह जा, आज मैं सोने रब ते ओदे रसूल दा कलमा बंद करा लेना, खतरियां दा आशर करांगा ते लाशा ना खतरियां दी टिकण गिया ते जिंदी तो गई तगड़ा।
के किथे जाएंगे। कृपाने की कंध लाण का सुपना वेख्या सी ते बड़ा ही सोहना लगा से मोरी दिया, पर एक खतरी नू मारन लग्या इन्ना कु पैरा लगा कि जी करदा तेनू दरिया च डोबे दे दे के मार दिया। कृपानिया मेरे रस्ते चो हट जाए, मैं तेरे नाल वादा करना वा कि इस खतरी नू मारन तो बाद तेरी यह चई कंध लवांगा फिर मुड़के तू किसी का राह नहीं टकेगा। तू तो सिर्फ मेरी कंध लाने का सुपना वेख्या सी ना, पर मेरा एक गाटा लाने के चाह विच दो चार सौ फरंगी मौत दे फरिश्ते नू जफा पा चुके ने। इस लोहे दे बंदे नू जफा पाना हर बंदे का काम नहीं कर पाया, तेरे नाल कीता या वादा भी पूरा कर देंगा। जे तैनू किसे मुसले ने जम्या ते फिर कृपाने दा बुरज उल्टा उल्टा कृपाने दा बुरज अगे वद। रैफल वेख के घबरा गया है। लत्तां थकते नहीं गईयां ने तेरियां, की हाल है तेरा? मेरा हाल ते ठीक है सिखा, पर तेरा हाल हो जा करांगा के सारी उम्र याद रखेगा। तू छाटा पा रहा हो बागड़ गलिया। कृपान सिंह को गिरफ्तार किया और हमारा डॉटर मैरी ने तुमको धोखा देकर उन दोनों को तुम्हारा हिरासत से आजाद करा लिया। हम ठीक बोलते हैं सर, मैरी ने हमारा इतना बड़ा कारनामा को मिट्टी में क्यों मिलाया?
आखिर उसे बागी कृपान सिंह के साथ क्या अंतर दिया जो उसने इतना बड़ा जुर्म किया? शायद तुम नहीं जानता जॉन कि जब मैरी पैदा हुआ था उसका मां का डेथ हो गया था। उस वक्त हमारा पोस्टिंग पंजाब में था। हमने अपना अकेला अकेला बेटी को जिंदा रखने के लिए उसे एक पंजाब का मुसलमान मां का दूध पिलाया था। ये शायद इसी दूध का असर है कि उसको पंजाब का मिट्टी से इतना मोहब्बत है। डोंट वरी, हमको ये बताओ मेरी सब कहां है? हमने उसे अपनी आंखों से बागी कृपान सिंह के साथ जाता देखा है सर। ओ आई थी, तो फिर आज हम अपना हुकूमत का बागियों का लिस्ट में मेरी का नाम भी लिख लेता है। और सज्जन प्यारिया, अपना चेहरा ते वो मैं तेन अपना चेहरा विखा नहीं किया, एदा चेहरा ते नहीं। आ, समझ गया समझ गया। तू ते मेरे उत्ते बड़ा ही एहसान पाया है सज्जन प्यारिया। तू है कौन? कितने गायब हो गया? जिन ते नहीं सी पर मेरे तो वड्डा ते जिन इस जग विच ही नहीं। ओए की करन लग पिया, अपनी इज्जत सुट दित्ती हूं? ओ सिखा, ओ तेरे बारा ते नहीं बज गए? ओए पतलून सुट दित्ती हूं? ओए की मस्करिया करन लग पिए? ओ मैं तेनू बूथी वखान दा क्या सी, नान दा ते नहीं क्या सी? ओ बत्तियां नाल ना रहे ¡Gracias!
वकील तेरे लिए केड़ी सौगात लेके आया है। तुर गई मर जानी, बाहर ही गई होनी है। तू इथे बह, मेरी है मेरी है, मेरी ना है तेरा ना। मैं प्रीतम नू लभ के होने आना। इथे ही बही, बाहर ना निकली। इस पिंड दे सिखड़े बड़े ही आसरे नहीं। जेड़ा अपनी कौम से भी उत्पाद कर रितो प्रीतो तुर गई। जान लगे खाली हाथ नहीं गई, तेरे तन तेरी गैरत इस पिंड की इज्जत मिट्टी च मिला गई है। तू लुट मार करने वाले डाकुआ ने कृपाने, पर तेरे नाल भी वड्डे चाकू नाल मिलके और तेरी भैन ने तेरे कर छड़ लवाई। हां कुर्बानिया, वो एक मुसला सी ते ना दा बरियामी जिदे पिछे तेरी भैन पिंड छड़ के टुर गई है। बरियाम, जे साडी गल ते यकीन नहीं हो कुर्बानिया, ते जानी जी तेना पिंड वाले कोल पूछ ला। ए सारे तेरी भैन दी पत्कारी दे कुआ नहीं। जिन्हों के सामने तेरी भैन ने सूरज चढ़दे ऐलान किया उस मुसले बरियाम के पिंड जा रही है। बस करो धर्म वीरो, बस करो ते ऐसे साथ खलोते रहो। अज कृपान सिंह तुहानू वचन देंदा ते ओ अपनी गैरत धर्म ते इस पिंड की इज्जत का बदला लैण लई उस मुसले बरियाम की कबर बाद विच ते भैन की मड़ी पहले बनाएगा। कप्तान सिंह की बड़ी उस मसले की कबर फरंगी विराज बना ही देनी है, पर मैनू उन्हें चिर चैन नहीं आना राम दयाला जब तक बरियाम की मां पीढ़ी च वजूद है। जय बजरंग बली, तुम फिक्र ना करो ठाकुर महाराज, असी बरियाम की मां दर बदर करके पिंडों कढ़ा, दोबारा इधर का रुख नहीं करे। फिर छेती राज और धक्के मार मार के पिंडों बाहर कर दियो, जिन साडे पिंड च अल्लाह अकबर दा नाम सुनदा बड़ा ही चाह। खतरिया, ए चाह ते सानू कयामत तक रहनी है, इसलिए के चमदे ही साडे कन अल्लाह अकबर दी आवाज सुनदे ने। खतरिया जरूर सुनते हो, जरूर सुनते हो महाराज, पर ये दसो तुसी इत्थे कि ना आए। तेरे खून नल अपनी आग बुझाने आया है खतरिया, जड़ी मेरे प्यो दे कतल होने तो बाद आज तक मेरी एक इज लगी हुई है। ओए नस के किथे चलिया खतरिया, आज तनु धरती से उतर आसमान देखा बरियाम कलो कि पुरानी लबड़ी है। जबरदस्ती बाहर कर दिए,
कल खतरिया ते फिर उन्ना चिर मैं अपने रब दे कर दियां पूरियां च बैठा रहांगा जब तक इजराइल तेनू आप लैके बाहर नहीं आ जांदा। इजराइल तेनू तेरी मां दे वास्ते विरिया मेरी जान छड़ दे। तेनू किवें छड़ दियां ए खतरिया, तेरे कतल दा हुक्म मैनू मेरी मां ने दिता है ते मैं अपनी मां दे हुक्म नू रब दा हुक्म समझ नहीं। धीए ए पाक किताब खोलन तो पहला सोने मोहम्मद दा कलमा सुना जिन्हों पढ़ के तू तो अपनी मर्जी नाल मुसलमान हुई है। माँ जी ओ कलमा ते मेरे दिल च नक्श हो गए, मेरी लूह लूह विच रच गया है। ते फिर पढ़। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्रीतो प्रीतो नहीं ज़ैनबाक, ते सलाम कर आसमान जिन्हें मेरे हनेरे दिल विच नूर का दीवा बालिया, जिदे कलो मैं सोने मोहम्मद दा ओ कलमा पढ़ना सीखा है जिन्हों मेरी जबानी च सुन के तेरे मत्थे ते तैली आ गई। मेरी मन वीरा ते तू ही यही कलमा पढ़ के सिखो मुसलमान हो जा, सौ रब दी हनेरे चो निकल के चानन च आ जाएगा। मेरी रात वेले जेड़ा चानन तू चाड़ के आई है तेरे लिए उसे जुर्म की सजा काफी है। जे हुण तेरी जबान विच मसलियां दा कलमा आया ते मैं तेरी जीव वट के तली ते रख जागा। वे हुण पावे जीव वट पावे पाउं ला, तू एक वारी कहना है मैं 101 वारी तेरे सामने खलो के आखांगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 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 बंद कर अपनी जबान, उठिए मैं अपनी पैर नु ले चलिया वा, पुत्र है तेनू मेरे वाल तोड़ दई। मैं अपने ज्ञानिया नाल वादा करके आया वा कि पैर दी मरी पहले ते तेरे पुत्र दी कबर बाद च पाऊंगा। तरफाना इस बेगैरत ते बेहया नू ले आया जे धर्म वीरो, हुण दसो इहदा घाटा ला के मैं इहदी मरी किस थां ते पड़ावा। मेरा घाटा भी जरूर लई ते मेरी मरी भी जरूर बनाई दे, पर पहला अपने तरन दे ठेकेदार नु आख के अपने ग्रंथ दी सौ खा के दसे कि मैं जुग की कीता सी, ते फिर मैं तेनू दसांगी कि मैं अपना घर क्यों छड्या सी ते अपना पिंड क्यों छड्या सी। असी तेनू तेरा पाप दस चुके हैं, तू एक सिख धर्म दी मुटियार होंदे आ भी पूरी रात एक मुसले नाल गुजारी है। होश कर वे, ए गाल तू मेनू नहीं घर बैठी अपनी जवान भैन नु कढ़ी है। दस वे कृपानिया तू अपनी भैन नु बेदरसन दे इस पिंड च खिलार के अपनी गैरत दा मजाक क्यों उड़ाए। मैनू ते इंज लगदा है जिवें इन्ना बेगैरत वांगू तेरी गैरत भी सो गई है। प्रीतो हाली बाल दा कृपानिया, तू अपनी भैन दे खून ते शक कीता है ते अज अज मैं तेनू इन्ना बेगैरत दे खून दी पछाण करा देनी आ। दस वे करतारिया, जदों फरंगी ने मेरे वीर कृपाने दा मेथों पता पुछण लई मेरी इज्जत दी चादर नू सरेआम तार-तार करन दा ऐलान कीता सी, उस वेले तेरी गैरत कित्थे मर गई सी। तू दस वे दुर्जन सिया, मैं किन्नी वारी तेरे पैरे च डिगी सां, किन्नी वारी तेरे अगे हाथ जोड़े सन, पर तू तू अपना सिर रख ले चुका लिया सी कि किधरे फरंगी दियां गोलियां तेरे हिक नू छानी ना कर दे। तू दस वे तरम दिया ठेकेदारा, जिस वेले मैं तेनू बाबल कह के तेरे अगे गुरु नानक दा वास्ता पाया सी उस वेले तेरे मत्थे ते मौत दी त्रैली क्यों आ गई सी, तेरा तरम क्यों मर गया सी। एना तो पुछ कर पानिया ओ कौन सी जिन्हें ओ सुन दी सुली नू तोड़न दी कोशिश की थी, ओ कौन सी जिन्हें तेरी पैन ते होन वाले हर वार नू अपनी हिट ते डकिया सी, ओ कौन सी जेड़ा उस वेले मेरी इज्जत ते तेरी गैरत दा राखा बनिया सी। तक लिया वीरा इन्ना बेगैरतां दी यही बेगैरती वेखे ते मैं अपना धर्म छड्डे ते जुल्म दे खिलाफ सिर चुकन वाले उस गैरतमंद मुसलमान दे रब ते रसूल दा कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हुई। मुसलमान
आज तेरे आज केस कटन वसी की समझे कृपा ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैनब और आप कहीं जा ले आओ आज कृपा ने मुस्लिम का कलमा पढ़ के और ताजा तरंगा खोल दीता है आज जैनब दी ना जाओ कोई नहीं चिंता मत करना जाए सिर ला के अपना पैर मुकान आया था पर तू वाह गुरु दे मनन वाला होके अपने केस क्यों कटा देते ने? और मैं सिर्फ एक केस ही नहीं कटते तेरे सोने मोहम्मद का कलमा पढ़ के सिखों मुसलमान भी हो गया और तेन साड़ी कंड लाण का बड़ा चा सी ना ले भैया सी अपनी कंड आप ही ला देने आ नहीं यार तेरी थां जमीन ते नहीं साड़ी एक नाले कर पानिया तेरी मां ने साड़ी भैन का नाम प्रीतो तू जैनब रख दिता ते तू हाली सानू कृपानिया कृपानिया कृपाने कही जा रहा है की करी जा रहा है की करी जा रहा है चलिया जे ये गल तो फिर तेरा नाम ही हूं मेरी मां ही रखेगी मेरी हस्ती जैनब का भरा तेरी जान का दुश्मन बन के तेरे सह मुकाना चाहता सी ते आज अपने केस कटा के तेरा सज्जन बन के तेरे नाल क्यों नहीं आ गया मेरे को पूछ मां तू रब ते उहदे रसूल का जेड़ा कलमा मेरी भैन नूं पढ़ा के मुसलमान किया सी अजोई कलमा मैं पढ़ के ते अपने केस कट के सिखों मुसलमान हो गया अलहमदुलिल्लाह पुत्र यह मुटियार कौन है इन्हू अपनी नहीं समझ मां तू ये दस अद्धी रात वेले हथ बंदूक फड़ के मसीह दिया पौड़िया क्यों बैठी है ते वो कौन है
ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਰੁਕ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਪੈਰਾਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਵੇ ਠਾਕਰਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਹੀ ਲਈ ਤੇ ਚਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਣ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਖਤਰੀਆ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਕੜੀ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਖਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਵਰਿਆਮ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਖਤਰੀਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿਆਮ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ। ਵਰਿਆਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਰਪਾਨੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਨਸ ਜਾ, ਨਸ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਗਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਵਰਿਆਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਬਣਾਂਗੀ। ਕੇ
ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਲਬੀਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਬੱਕੋ ਬੱਕਣੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਲਬੀਰ ਸਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੋਰੀ ਦਿਓ ਹੈ ਬੇਲੀਓ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਬੜੇ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਰਪਾਨਿਆ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਯਾਰਾਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਯਾਰਾਨੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰੱਖੋ ਏ ਬਲਬੀਰਿਆ ਯਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਬਈ ਵਰਿਆਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੱਜੜ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈ ਜੱਟਾ ਵਰਿਆਮ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਏ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਬੀ ਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾ ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਏ ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਓਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦਿਆਲਾ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੁਸਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰ ਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆ ਗਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆ ਗਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾਏ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਨਸਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰਿਆ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਆਪਰੇਗੀ ਚੰਜਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਨਾ ਮਾਖੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਲਬੀਰਿਆ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮਾਖੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਣਾ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਹ ਐ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਖਿਆ ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਜੰਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਪੜਾਇਆ ਵੇਪਰ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਬਲਬੀਰਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਂਦਾ ਆਪੋ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਗਵਾਈ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਵੇ
मैं तिया समेत मौत दे इस किले विच आप से दफन हो सकनी हां, पर तरसी दे उन्ना शेरां नू उन्ना चिर दफन होंदे नहीं वेख सकती जिन्ना चिर वो अपने देश दे पैरां विच पई हुई गुलामी दी इन्ना जंजीरां नू कट नहीं लेंदे। ते फिर तुहाडे ख्वाब जरूर पूरा होवेगा मां जी। आए मखिया जा के उन्ना शेरां नू इतला कर कि इत्थे वाजियां दी थां ते दारियां दी कफन दफन दा इंतजाम कर के आओ। ਲਿਆਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਰੰਗੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਹਿਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣ ਲਈ ਬਲਬੀਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਜ ਤੋੜੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਤੀਰ ਸਮੇਤ ਤੋੜ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਠਾਕਰ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਦ ਕੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਮ ਠੀਕ ਬੋਲਦਾ ਠਾਕੁਰ। ठाकुर, ये बुढ़िया कौन? महाराज, ये हो बागी मरियाम की मां जी, जिसे कब्जे की चाची थी। बुढ़िया, इससे पहले कि तुम्हें गोलियों से छल निकल दिया जाए, हमारा बेटी हमारे हवाले कर दो। ओ, तेरी नहीं मेरी थी ये फरंगिया, वे जे आज तो वी वरे पहले दियो हनेरी रात भूल गए ते फिर मैनू गौर नाल वेख, तैनू आप ही सब कुछ याद आ जाएगा। सफर में पैदा करते ही मर गया। अगर इस वक्त इस बच्ची को माँ का दूध न मिला तो ये भी अपना माँ का तरह मर जाएगा। सिस्टर मर जाए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भी एक पुत्र की माँ हूँ, एक मुसलमान माँ एक मासूम बच्ची ते जुल्म नहीं होने देगी। हमको भी इस गांव का लोगों से यही खबर मिला था कि इस गांव में सिर्फ तुम ही एक ऐसा माँ है जो हमारा बच्ची को अपना दूध पिलाकर इसको जिंदगी दे सकता है। जिंदगी देने वाली ते रब दी जात है फिरंगिया, हुन तू जा। इस बच्ची नु उस दिन मेरे को ले जाई जिस दिन माँ का दूध पीने तो बगैर भी जिंदा रह सके। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ओह, तो तुम हो वो बुढ़िया जिसका दूध पीकर हमारा बेटी अपना बाप का खून का पहचान भूल गया है।
वैसे मेरा एहसान याद आई गया ते इतों वापस चला जा, इसलिए कि हूं तेरी नहीं इस मुसलमान मां दीती है ते मां अपने रब ते ओदे रसूल दा कलमा पढ़न वाली तीन तेरे हवाले कभी नहीं कर सकती। होश कर बुढ़िया, क्या तुझे जिंदगी से प्यार नहीं? वे जिंदगी नाल ते तेरे वर्गे बुजदिल प्यार करते ने। मैं एक मुसलमान मां हां, मां अपनी जान ते दे सकती है पर उस तीन तेरे हवाले नहीं कर सकती जिन्हें मेरा दुख पीता है। मत सुनो बुढ़िया, इसका रगो में हमारा खून है। वैसे तेरा खून बोलदा ते तेरे घर विच हुंदी। एक मुसलमान मां दे दूध दी तासीर है कि वो आज भी मेरे घर विच है। तो फिर हमको तुम्हारा लाश से गुजर कर अपना बेटी को हाजिर करना होगा। बिगर गुलाम कौम का गुलाम बाको अपना नाम मत कहो मैरी, नहीं तो इसका साथ साथ हम तुमको भी शूट कर देगा। एवी चाह पूरा करके देख ले फ्रंगिया, कल भी मेरी माँ सी आज भी मेरी माँ है, ते मैं जिंदगी की आखिरी साथ तक माँ ही कह रही। तब जी, जब ये बाकी लोग गांव का स्ट्रीट में दाखिल हो तो इनको बारूद से उड़ा दिया जाए। साड़ी मां मोई नहीं, शहीद हुई है। ते शहीद होने वाले नु रो के नहीं हंस के मंजिल पर तोरी दा वरियामिया। ओए गोरियो, तुसी साड़ी मां नु शहीद कीता है, असी अपनी मां दी शहादत दी कसम खाने आ कि ओ तो तक चैन दा सा नहीं लवांगे जदों तक तुहाडे राज दा सूरज डुब नहीं जांदा। सुनिया रब्बा, मेरे भरा दी इस गल नू हुण टिक ना दे। आखियों ने आज हमको ऐसा शिकस्त दिया है कि हमारा दिल कहता है कि हम अपने आप को शर्त कर ले, और तुम बोलता है जॉन कि किसान सिंह का ये कट्टर साथी हमको बागियों के ठिकाने तक पहुंचा देगा। अब तुम भी सोचो, जो अपने सरदार का साथ सत्तारी कर सकता है वो हमारा वफादार कैसे बन सकता है? और तू सोने से अखबार कर साफ हो जाए वो गद्दारी असो नहीं, वो उन्हें अपने धर्म नाल की है, और जिन्हें अपना धर्म छड़ के वो सिख मुसला बन गया। वो ऐसे नहीं होता गड्ढा लाल नहीं तेरे तक पहुंचे साहब बहादुर। हम तुम पर सिर्फ एक शर्त पर भरोसा कर सकता है कि तुम्हारा एक साथी हमारा साथ जाकर हमको उन बागियों का ठिकाना बताएगा, और तुम्हारा बाकी दो साथी उस वक्त तक हमारे कब्जे में रहेगा जब तक हम उन बागियों का सफाया नहीं कर देता। और कान खोल कर सुन लो, हमारा साथ धोखा करने का कोशिश किया गया तो तुम्हारा दोनों साथियों को मौत का घाट उतार दिया जाएगा। और क्यों भाई, धन साहब आ रही है गल मंजूर है, और वेखना कि मरवा ना देना। राम 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 राम। उठो उतरो, सानू तेरे इस गुर की हर शर्त कबूल है, जे इनू साडे ते शर्त देना ए तो यार उस वेले तक
ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਰਪਾਨ ਸਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਇਤਨਾ ਟੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਲੇਕਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਗੀਓ ਕੇ ਖੂਨ ਕੇ ਛੀਟੋ ਸੇ ਆਸਮਾਨ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तोपों से इतना आग बरसाएगा जिसमें दम तो क्या पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। ओए गोरिया, जे साडे सिरा ते कफन देख के भी तैनू अपनी मौत का यकीन नहीं आया तो फिर तगड़ा होगा। अज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन ने ha
حي على الصلاة. حي على الصلاة. ऐसा लगता है बागी लोग ने अपना शिकस्त मान लिया है, वरना ये लोग अपना हथियार कभी न फेंकता। जय राम जी जी महाराज। ये मुसलियां दी तरी है, जदों भी जंग च नहीं नमाज का वेला होया इन्होंने अपने हथियार छोड़ देते थे ते अल्लाह नु सजदा करना शुरू कर दिता। तो इसका मतलब है अब हमको बारूद का कोई जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। इन्हों के धर्म के महान अली जिन्हें शेर तो वध तक सी उन्होंने भी नमाज अपना सिर कटवा दिता है। वेलकम ठाकुर वेलकम, तुमने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान में हिंदू कौम से ज्यादा चालाक कौम कोई नहीं। आ गए हम यहाँ जमात करा। नहीं भरे हम, मैं इस काबिल नहीं। तू अल्लाहु अकबर। अब हम इन मुसलमान लोग को उस वक्त अपने घोड़ों के पांव तले रौंदेगा जब भी अपने खुदा को खुश करने के लिए सजदा में जाएगा। अल्लाहु अकबर। سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. توپ جی اس سکھ کو توپ کے گولے سے اڑا دو. گڈ ویری گڈ. الله أكبر. گو. कौन डकेगा पाबी? जेड़ा फरंगी ने सजदे च पाया इन्हां गाजियां नूं मुकाने तोड़ दिता है। इस तूफान नूं मैं रोकांगी जांदे, तू मेरे विच बारों तरन वाली गल कर। इहदे च सुराख हो गए ने पाबी, इहदे च बारों तरके की करेगी? तू मैनूं अग लाण वाली गल कर जांदे, मैं अपने ईमान दी रसी नाल अगर सुराख बंद करन दा चारा कर लिया। गार्ड तुमको और तुम्हारा इस गलती को माफ करे मैरी।
انجام دیکھے گا ان باغی لوگ کا مدد کون کرتا ہے ان لوگ کو ہمارا ہاتھ سے بچانے کا واسطے کون آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ